शादिया जी, बेशक धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हो कि ये धांधली हुई है, इतने बड़े स्तर पर कैसे धांधली होती है, कैसे सॉल्वर गैंग इतना धांधली करने में, सिस्टम में पूरा फेल करने में कामयाब हो जाते हैं? तो ये तो शुरुआत से शुरू किया जाना चाहिए कि इस लेवल का जो धोखाधड़ी है या फिर चीटिंग है वो ना हो। नहीं बिल्कुल, देखिए जो एजेंसी जिसको बनाया गया, जिसका काम ही ये था कि वो पारदर्शिता से काम करे और किसी भी तरह की घालमेल ना हो, खास तौर से पेपर्स के मामले में जो सील्ड होते हैं, और मैं आपको बता दूं कि दो तीन जगह ही से ये प्रकाशित होते हैं, पब्लिश होते हैं, और एक सील्ड उसमें दिए जाते हैं जो भी पेपर होते हैं, बहुत ही गोपनीय एक प्रक्रिया है। तो आप देखिए कहीं ना कहीं इस गोपनीयता को कॉम्प्रोमाइज किया गया है, उसमें कुछ बड़े लोग और अधिकारी जरूर इसमें शामिल हैं, क्योंकि उनकी जानकारी के बगैर ही संभव नहीं था, तो इसके तह तक जाना पड़ेगा, कम से कम आइंदा ही ऐसी बातें ना हो, और अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं उनका टाइम वक्त का नुकसान भी ना हो और उनके परिश्रम का भी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रितु चौधरी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। रितु चौधरी जी, कल राहुल गांधी काफी हमलावर नजर आए नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर, इस पूरे मामले पर, चाहे यूजीसी नेट हो या फिर नीट पेपर लीक का पूरा मामला है, और उनकी तरफ से यह तक कह दिया गया कि जो ये एजुकेशन सिस्टम है वहां पर बीजेपी की तरफ से कब्जा हो गया। लेकिन आपने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान तो अब जिम्मेदारी लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर इसके बावजूद इतना ज्यादा हमला और सरकार की मंशा पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? देखिए, पिछले 5 साल में करीबन 43 पेपर लीक के मामले आए, यानी कि हर साल जो है लगभग 9 जो है पेपर लीक हुए। करोड़ों छात्रों का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है। इस सरकार के 10 साल में करीबन 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए, और आज धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ। वो करोड़ों बच्चों का जो भविष्य है, वो जो सपने उनके खराब हुए, वो जो टूटे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये पेपर लीक सरकार जो कि अपने ही जो गुर्के जो बैठा के हर जगह रखे हुए है, और उनसे जो है बाकायदा इस तरह का जो है सिस्टम पूरा जो है वो भाजपा ने, और धर्मेंद्र प्रधान तो बोल रहे हैं ना कि कोई कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठा हो, जिसने गड़बड़ी की होगी उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये वही धर्मेंद्र प्रधान है जिन्होंने पहले क्लीन चिट दे दी थी, जबकि अपराधियों ने अपना अपराध भी कबूल किया, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान क्लीन चिट देते हैं। किस आधार पर क्लीन चिट दी उन्होंने, और किस आधार पर भाजपा हमेशा अपराधियों को बचाने का प्रयास करती है? अब तो नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ी क्योंकि राहुल गांधी सामने आ गए, उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम पेपर लीक सरकार के सारे खुलासे कर दिए, और इसका सच्चा और काला सच जो है सामने लेकर आए, तो मजबूरी में उनको राहुल गांधी की मामले के तह तक जाना चाहिए। मुझे लगता है इस मामले में सियासत आखिर क्यों हो रही है, इस मामले के तह तक जाना चाहिए और सोल्यूशन इस बात का ढूंढा जाना चाहिए कि इतना जो लाखों छात्रों का भविष्य अधर में है उसको कैसे हल किया जाएगा। हमारे साथ शोभित, मैं आऊंगी ऋतु जी आपके पास, मैं अपनी बात पूरी कर लूं पहले, मुझे दो चार सेकंड का समय दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी आप करिए फिर शोभित जी के पास। देखिए नीट जो है, नीट में कितने साल का छात्र होता है, मैक्सिमम 17 साल का, 18 साल का, 19 साल का, उन छात्रों जो वो बच्चे हैं, आप कह रहे हैं कि इसको राजनीति का पीछे मत बनाइए, ये सब जितना भी गैंग है, अंडर ग्रेजुएट के लिए परीक्षाएं होती हैं लेकिन बड़े स्तर पर होती हैं, ये समझने की जरूरत है। शोभित जी, आप क्लासेस चलाते हैं और जो छात्र हैं उनको पढ़ाते हैं, किस लेवल पे आपको ये एहसास हुआ कि यहाँ पर गड़बड़ी है और ये पूरा नेक्सस फैला हुआ है धांधली का? तो एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में तो एनटीए ने कुछ भी नहीं बोला, बस रिजल्ट जारी कर दिया 4 जून को, जिस दिन नेशनल इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे। फिर उसमें कुछ बच्चों के नंबर हमने देखे 718 प्लस आए हैं, तब हमें रियलाइज हुआ ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लॉजिकली ये तो आ ही नहीं सकते नंबर। हमने क्वेश्चन रेज करने चालू करे तो और भी बातें आई, आप लोगों ने खुलासे किए कि भाई पटना में कुछ ऐसा हो रहा है, उसके एनटीए जागृत हुआ, उससे पहले तो कोई बच्चों को ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है कि जो बच्चा इतने साल तैयारी करता है वो क्या एग्जाम के साथ पेपर लीक की टेंशन भी लेगा क्या? हाँ, मतलब क्या उसे कोर्ट जाने की भी तैयारी करानी पड़ेगी कि भाई तुम्हें कोर्ट जाना पड़ सकता है इसके बाद? तो बहुत ही बुरी हालत हो रखी है इस समय सिस्टम। ठीक है, बहुत बुरी हालत है। ठीक है, हाँ, जल्दी पूरा करिए। ये तो एक एग्जाम चल गया,
और जो दूसरा एग्जाम है जो जेई मेन का एग्जाम है और जो बड़े बड़े एग्जाम एनटीए कराते हैं उसमें आज तक क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं है। इतनी ओपेक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन करी हुई है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से प्रॉपरली रिव्यू किया जाना, रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत यही रहेगी। और उससे पहले ऑलरेडी एग्जाम चल रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे वो एग्जाम्स, पर जबरदस्ती एनटीए को लाके चीजों को कंफ्यूज कर दिया गया है। चलिए ठीक है, कंफ्यूज किया गया। हालांकि आपका देखिए कनेक्शन बहुत बहुत बार बार ब्रेक हो रहा है। आप शाजिया, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए ट्रांसपेरेंसी का जिक्र किया जा रहा है, हालांकि धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं कि अब रिफॉर्म की जरूरत है, वो हम करेंगे और जिम्मेदारी भी लेते होने सर, लेकिन उन छात्रों का क्या, उन लाखों छात्रों का क्या जो अलग अलग शहरों में सड़कों पर उतरे हुए हैं, जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ? ये बहुत ही अफसोस की बात है और मैं देख रही हूँ विजुअल्स को, बहुत ही तकलीफ दे, उनके साथ वाकई में ज्यादती हुई है और बहुत बड़ा धोखा हुआ है। लेकिन लगातार जो ये कहा जा रहा है, देखिए ना तो सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी ली है लेकिन तुरंत कार्रवाई करने की भी बात हम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो बहुत ही मॉरल हाई हॉर्स पर बैठी हुई जो जो महिला प्रवक्ता कह रही थी कि भाजपा के टाइम पे हुआ है, कितने पेपर लीक्स हुए हैं आपको याद है? लालू प्रसाद यादव के वक्त में कितने पेपर लीक्स, बाकायदा किस तरह से लैंड फॉर जॉब्स का मामले हुए, और राजस्थान के अशोक गहलोत की सरकार ने जिसके बारे में सचिन पायलट ने खुद जगह जगह जाकर बताया है कि कितनी गड़बड़ी है। तो देखिए एक माफिया है हमारे देश में पेपर लीक का, उसे खत्म करना है। लेकिन दलगत राजनीति में पढ़कर क्या आपको लगता है वो अच्छा होगा? मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है अगर हम बाकी एक मूल सवाल शाजिया जी जो सामने आया वो प्रीतम यादव को लेकर सामने आया, क्या ये जिम्मेदारी ले रहे हैं? क्या ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि इनकी सरकार के वक्त में क्या कुछ हुआ है? वो तो नहीं ले रहे हैं, पूछ लेते हैं। सारिका जी, गलती हुई है सारिका जी, इस बात की क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? इस बात को आप कैसे डिफेंड करेंगे कि तेजस्वी यादव के जो निजी सचिव हैं, उनके पीएस हैं, पर्सनल सेक्रेटरी हैं प्रीतम यादव, उन्हें कॉल किया गया कमरा बुक कराने के लिए, और किसकी तरफ से? किनपिंग की तरफ से, सिकंदर यादवेंदु की तरफ से, कैसे डिफेंड करेंगे आप? देखिए डिफेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा प्रश्न है कि दो कन्फेशन लेटर जिसमें कि एक अमित आनंद और नीतीश कुमार जिनके की तस्वीरें हमने दिखाई आपको कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो है सम्राट चौधरी जी के साथ उनके काफी निकटतम संबंध है, और सीधे की साधे ये तस्वीरें जो है ना वो आपको बयान के तौर पे है, गवाह के रूप में है कि कौन है जो ये तमाम नीट पेपर लीकआउट के पीछे है। और आज धर्मेंद्र प्रधान जी जो आज नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हैं, देखिए बिल्ली को कभी भी दूध की रखवाली नहीं दी जाती है, पहले तो इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर कमेटी का गठन ब्लॉक चाहिए, तमाम चीजों की जांच करे, क्योंकि ये वो एनटीए के लोग हैं जो नीट की परीक्षा पत्र शाजी जी एक सेकंड पहले कंप्लीट करने दीजिए, और अनगिनत ऐसे परीक्षा नहीं। सारिका जी फिर से वो जवाब नहीं मिल पाया, सारिका जी जवाब नहीं मिल पाया जो आपसे पूछा गया था प्रीतम यादव को लेकर, जो तेजस्वी यादव के पीएस है, जो कि अब सवालों के घेरे में, जिन पर आरोप लगा है।